वेलकम टू सिविल स्पार्क बाय रमन सर। अब हम लोग फर्स्ट ईयर का जो कोर्स था उसको लंच कर चुके हुए हैं और आज हम इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का आप लोग के लिए जो हम लोग को मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के लिए पढ़ना है फर्स्ट सेमेस्टर में, उसके लिए इंजीनियरिंग ग्राफिक्स हमारा पेपर है और इंजीनियरिंग ग्राफिक्स हम पढ़ाएंगे। वो अभी हम फिलहाल में आप लोग को सिलेबस का रिव्यू है उसको दिखाते हैं, कैसे कैसे हम लोग को क्या करना है और आगे कैसे हम लोग को पढ़ना है। तो हम सिलेबस का रिव्यू आप लोग को दिखा रहे हैं और जो अपना इंजीनियरिंग मैकेनिक ये इंजीनियरिंग ग्राफिक्स जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट इंजीनियरिंग फील्ड के लिए है जिसमें हम लोग डिजाइन वजाइन करने के लिए बेसिक सीख लेते हैं। तो ये अपना इंजीनियरिंग ग्राफिक्स है और इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का जो पेपर होता है वो अपना 100 मार्क्स का होता है। यहाँ पर आप लोग देखे होंगे ताकि 100 मार्क्स का ये पेपर है और इसमें हम लोग के जो पेपर है उसके में हम लोग जो एक्सटर्नल और इंटरनल होता है, इसमें जो बच्चे नहीं जान पाते हैं जो फर्स्ट सेमेस्टर में आते हैं नए नए बच्चे रहते हैं वो नहीं समझ पाते हैं ताकि हमको कितने नंबर का पेपर देना है। तो इसके लिए हम लोग सिलेबस का रिव्यू सबसे इम्पोर्टेंट होता है ताकि बच्चे को अच्छे तरह से गेन हो सके ताकि यहाँ हमको क्या पढ़ना है। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे ताकि ये अपना इंजीनियरिंग ग्राफिक्स है और ये अपना 100 मार्क्स का पेपर होता है और 100 मार्क्स का जो पेपर है उसमें अपना ये जो 70 मार्क्स जो है ये अपना एक्सटर्नल पेपर होता है जो आउट ऑफ कॉलेज पेपर कराया जाता है। ठीक है, ये अपना आउट ऑफ कॉलेज पेपर जो करवाया जाता है जो बोर्ड के द्वारा अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भराया जाता है उसके थ्रू ये पेपर होता है और ये अपना 10 नंबर का TA जो होता है ये टीचर असेसमेंट होता है जो बच्चे अपना टीचर के रिकॉर्डिंग अपना अकॉर्डिंग जैसे अपना ये चार्ट वोट पेपर ऊपर बना बना कर अपना जमा करते हैं टीचर के पास। और ये जो CT है क्लास टेस्ट ये जो 20 मार्क्स का होता है, बहुत ऐसे कॉलेज में इसको इंटरनल मार्क्स भी बताया जाता है और इंटरनल पेपर भी बोला जाता है। तो ये अपना कहीं कहीं CT बोला जाता है कहीं कहीं इंटरनल बोला जाता है। तो ये अपना टोटल 100 मार्क्स का पेपर होता है और इसका जो पहला जो अपना यूनिट जो होता है जो पहला यूनिट होता है वो हम लोग बेसिक एलिमेंट्स ऑफ ड्राइंग, मतलब कि जो हम लोग ग्राफिक्स या ड्राइंग जो हम लोग पेपर को बनाते हैं तो उसमें हम लोग का क्या इंस्ट्रूमेंट चाहिए कि उसके साथ साथ क्या हमको उसमें करना है। जैसे मान कर चले थे कि डायगोनल स्केल और ये प्लेन स्केल के बारे में देता है उसमें बनाने के लिए, तो सबसे पहले हम लोग का इसमें बेसिक इंस्ट्रूमेंट जो है वो हमारे पास होना चाहिए। उसके साथ साथ जब हम लोग क्लास करेंगे तो उसके बाद हम लोग डायगोनल स्केल और प्लेन स्केल के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर जो स्केल होता है स्केल हमारा बहुत इम्पोर्टेंट होता है, यहाँ पर स्केल जो दिया हुआ है ठीक है बहुत इम्पोर्टेंट होता है, इससे हमको ऑब्जेक्टिव भी आता है और इसके साथ साथ हमको यहाँ पर जो जो इसके साथ साथ हमारा जो स्केल है स्केल का भी हम लोग का क्वेश्चन जो रहता है स्केल से यहाँ पर काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है। उसके बाद हमारा सेकंड यूनिट जो है वो हमारा ऑर्थोग्राफिक्स है, ऑर्थोग्राफिक्स प्रोजेक्शन जो हम लोग 2D से 3D बनाते हैं तो वो हमारा बोला जाता है ऑर्थोग्राफिक्स। इसमें क्या होता है ताकि हमारा फर्स्ट एंगल थर्ड एंगल मेथड से हम लोग क्या करते हैं उसको देखते हैं और बनाते भी है। जैसे मान लेते हैं कि बैक साइड देखना है, टॉप व्यू देखना है, बॉटम व्यू देखना है, फ्रंट व्यू देखना है, तो हम लोग ऑर्थोग्राफिक जो प्रोजेक्शन है उसी के थ्रू हम लोग देखते हैं। थर्ड हमारा दिया हुआ है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, इसमें हम लोग क्या करते हैं ओनली वो 3D पिक्चर को ड्रॉ करते हैं और इसमें हमारा आइसोमेट्रिक स्केल होता है, नेचुरल स्केल होता है, ट्रू लेंथ होता है, इसके माध्यम से हम लोग ये आइसोमेट्रिक का प्रोजेक्शन करते हैं यानी आइसोमेट्रिक ड्रॉ करते हैं ड्रॉइंग का। ठीक है, उसके बाद फ्री हैंड स्क्रेच ऑफ इंजीनियरिंग एलिमेंट्स है, इसको हम लोग क्या करते हैं फ्री हैंड से स्क्रेच करके बनाते हैं। जैसे मान लीजिए थ्रेड है,
नट बोल्ट है, सेट स्क्वायर है, वाशर है, डिफरेंट टाइप का इसमें बिया रहता है जो इंजीनियरिंग फील्ड से ही टोटल रहता है। उसके बाद हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग इंटरफेस। इसमें हम लोग ऑटो कैड के बारे में पढ़ते हैं, और ऑटो कैड का जो सॉफ्टवेयर होता है, कैसे कैसे हम लोग यूज करते हैं वहाँ पर टूल्स, बा कैसा आइकॉन होता है, इस चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ये हमारा मतलब कि इंजीनियरिंग फील्ड के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि हर फील्ड में आपको डिजाइन करना है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो और चाहे सिविल हो, या चाहे मैकेनिकल हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे इलेक्ट्रिकल हो। मतलब इंजीनियरिंग का ऐसा कोई फील्ड नहीं है जिसमें हमारा ये इंजीनियरिंग ग्राफिक्स हो या ऑटो कैड हो, ये सारे जो चीज़ दिए हुए है फर्स्ट ईयर में हम लोग को पढ़ना पड़ता है, और ये हमारे इंजीनियरिंग फील्ड के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। उसके बाद हम लोग कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग करते हैं, मतलब कि कोई चीज़ हम लोग कैसे बनाते हैं, उसमें हम लोग जो ऊपर वाले जो टॉपिक था, इसमें हम लोग क्या करते हैं कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग इंटरफेस में, इसमें हम लोग टूल्स बार के बारे में जानकारी हो जाती है, और टूल्स बार की जानकारी होने के बाद हम लोग कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग में आते हैं, और वहाँ से हम लोग लाइन, आर्क, सर्किल, पॉलीगॉन, इलिप्स, रेक्टेंगल, इटीसी, मिनी यहाँ पर दिया रहता है अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, उसके हिसाब से हम लोग अपना यहाँ पर डिजाइन करते हैं। और ये जितने अपने ये इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का जितने भी टॉपिक्स है, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और इंजीनियरिंग फील्ड के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये सब्जेक्ट है। और ये सब्जेक्ट बुझिए ताकि एक अपने आप को बहुत मायने रखता है, ताकि इंजीनियरिंग फील्ड में अगर आपको डिजाइनिंग का या ड्राइंग का नॉलेज नहीं रहता है तो आपके पास कुछ नहीं नॉलेज है। तो इसके लिए हम लोग ये कोर्स को लॉन्च कर चुके हुए हैं, और ये जो हम लोग का फर्स्ट सेमेस्टर हो या थर्ड सेमेस्टर हो या फिफ्थ सेमेस्टर का जो भी कोर्स है, हमारा लंच हो चुका है, और आप लोग को एक सूचना है ताकि हमारे पास जितने इस चैनल से मतलब कि फर्स्ट जो 100 जो स्टूडेंट आएंगे उनके लिए 400, ये 499 रुपये का कोर्स है, ठीक है, जो फर्स्ट 100 स्टूडेंट के लिए ये दिया हुआ है, ये फर्स्ट 100 स्टूडेंट के लिए 499 रुपये का हम लोग कोर्स लॉन्च किए हैं। मतलब कि जो एक आप लोग देखे होंगे आओ और पाओ के आधार पर, तो वैसे ही हम लोग भी एक मतलब फर्स्ट 100 स्टूडेंट के लिए हम लोग 499 रुपये का कोर्स लॉन्च किए हुए हैं, फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर, और कुछ ही सीट हमारे पास अवेलेबल बचा हुआ है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जल्द से जल्द अपना ज्वाइन कर लीजिए, और अपना जो भी क्लास है कंटिन्यू हम लोग का चलना चालू हो गया है, और हमारा जो चैनल है सिविल स्पार्क बाई रमन सर का यूट्यूब पर अवेलेबल है, वहाँ से आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और गूगल प्ले स्टोर पर हमारा चैनल दिया हुआ है, एप्लीकेशन दिया हुआ है, उसको डाउनलोड कीजिए, और डाउनलोड करके वहाँ पर ये चैनल को ये अपना कोर्स जो है कोर्स को हम लोग लॉन्च कर चुके हैं, वहाँ से आप लोग परचेज कर लीजिए। थैंक यू।